नमस्कार, स्वागत है आपका मकर संक्रांति पर विशेष हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वी शुक्ला। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ के पर्व। ये त्योहार ही तो हैं जो हम सभी को एकजुट करते हैं। वैसे तो सनातन धर्म में अनेकों त्योहार हैं जिनके आने की आहट प्रकृति पहले ही दे देती है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति का त्योहार। साल में वैसे तो कई संक्रांतियां पड़ती हैं, पर जनवरी में पड़ने वाली संक्रांति का इतना महत्व क्यों है और भारत के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों में भी इस पर्व को कैसे मनाया जाता है, आज ये पूरी जानकारी आपको देंगे। आइए बताते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य की गति पर ही निर्भर होता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। खगोल शास्त्र के मुताबिक देखें तो सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं या पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देखा जाए तो साल में कई संक्रांतियां पड़ती हैं, लेकिन इनमें से मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के साथ उत्तरायण भी होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इन दिनों को उत्तरायण भी कहते हैं। इस दिन से देश में दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही शीत ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है और बसंत का आगमन हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि कहा जाता है और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक और उत्तरायण को सकारात्मकता एवं प्रकाश का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं। मकर संक्रांति को भारत के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा के साथ चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। तिल, गुड़ और कपड़े के दान की परंपरा भी है। इसके साथ गंगा घाटों पर मेलों का भी आयोजन होता है। बिहार में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी के ही नाम से जानते हैं। यहाँ भी उड़द की दाल, चावल, तिल, खटाई और ऊनी वस्त्र दान करने की परंपरा है। गुजरात और राजस्थान की बात करें तो इस त्योहार को वो उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। इस दिन यहाँ पतंगबाजी का बहुत महत्व है, क्योंकि उनका मानना है कि पतंग के माध्यम से वो अपनी प्रार्थना ईश्वर तक भेजते हैं, जिसके कारण सारा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। साथ ही इस दिन लोग तिल और गुड़ के लड्डू खाकर धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। राजस्थान में इस दिन बहुएं अपनी सास को मिठाइयां और फल देकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। वहीं असम में मकर संक्रांति के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग नदी किनारे या खुली जगह धान की पुआल से अस्थाई छावनी बनाते हैं, जिसे बेलाघर के नाम से जाना जाता है, और फिर गांव के सभी लोग वहां रात्रि भोज करते हैं और भगवान से मंगल कामना करते हैं। तमिलनाडु में यह त्योहार पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार के पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहते हैं। पोंगल के हर दिन अलग अलग परंपराओं
और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। चार दिन तक चलने वाले पोंगल के त्योहार को तमिलनाडु में नए साल के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि पोंगल पर्व में समृद्धि के साथ साथ वर्षा, धूप और कृषि से संबंधित चीजों की पूजा अर्चना की जाती है। विदेशों की बात करें तो थाईलैंड में इस पर्व को सानकर्न के नाम से जानते हैं। म्यांमार में भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। यहाँ पर यह पर्व थिन ज्ञान के नाम से मनाया जाता है। म्यांमार में यह पर्व 3 से 4 दिन तक चलता है। श्रीलंका में इस पर्व को उझावर थिरुनल नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में मकर संक्रांति को मोहा संक्रांत कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं। उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की साधना और इनसे संबंधित दान करने से सारे शनि जनित दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए इस दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का फल बाकी दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। हालांकि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए यह आयोजन सीमित होने की संभावना है। मकर संक्रांति पर्व की महत्ता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि खुद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी इस पर्व की महिमा को बताते हुए इसे श्रेष्ठ बताया है। महाभारत में भी पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। ये मकर संक्रांति आप भी अपनों के साथ कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर मनाएं। इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।